दोस्तों आज हम श्री राम होंडा EM650 जनसेट के रिकॉइल स्टार्टर को रिपेयर करना सीखते हैं। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए टूल्स हमारा टी स्पाइनर 8 नंबर, टी स्पाइनर 10 नंबर और एक नोज प्लायर की आवश्यकता पड़ेगी। इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद इसकी जो स्प्रिंग है उसको इसमें कैसे लगाते हैं वो भी सिखाएंगे और इसकी कंप्लीट रिपेयरिंग आज आपको सिखाते हैं। इसके नट खोलने के बाद इसको हम ऐसे खींच के बाहर निकले, देखो ये हमारा श्रीराम होंडा EM650 का जनरेटर का रिकॉइल स्टार्टर है। अब जो ये वाला नट है ये 8 नंबर इस स्पाइनर की सहायता से हम खोल लेंगे और इसकी स्प्रिंग को कैसे लगाते हैं और इसमें क्या क्या होते हैं आपको दिखाते हैं। इसमें स्प्रिंग होता है, रिकॉइल रोप होता है, उसके बाद हैंडल होता है, कंप्लीट एक्सेसरी है ये रिकॉइल स्टार्टर की। इसको हम खोल लेंगे 8 नंबर टी की सहायता से। अब इसमें नट है 8 नंबर, ये स्प्रिंग, रिकॉइल स्टार्टर में रोड लगती है आयरन रोड। इसके बाद इसको सेफ्टी से निकालें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो इससे आपको चोट भी लग सकती है। तो हम इसको आसानी से निकालेंगे। पहले इसका जो ये पहले हम जो रोप है रोप को पूरा बाहर खींच लेते हैं। देखिए हमने रिकॉइल रोप पूरा बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको यानी कि नोज प्लायर की सहायता से ऊपर कर लेंगे। नोज प्लायर की सहायता से हमने रोप को बाहर निकाला और अब इधर धीरे धीरे इसको वापस करेंगे, इसकी टेंशन रोप बाहर आ जाएगा, पूरा टेंशन ख़त्म हो गई। देखो इसमें बिल्कुल अब टेंशन नहीं है और अब इसको हम आसानी से, देखो स्प्रिंग निकल गई है, ये स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को हम आपको लगाना सिखाते हैं, ये बहुत ही सेफ्टी से लगाना नहीं है, आपको चोट लग सकती है। तो इसमें आप प्लायर का यूज ज़रूर कर लेना। ये देखो अब आपको स्प्रिंग कैसे लगाते हैं आपको दोस्तों लगाना सिखाते हैं स्प्रिंग, क्योंकि बहुत बार स्प्रिंग लगाने का तरीका मालूम नहीं होता है और हम स्प्रिंग को लगाने की इसमें कोशिश करते हैं रिकॉइल स्टार्टर के बेस पे। तो आइए दोस्तों हम रिकॉइल स्टार्टर की रिपेयरिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके हिस्से पुर्जों के नाम जान लेते हैं। जैसे कि हमारा ये जो रखा हुआ है कंप्लीट रिकॉइल स्टार्टर एक्सेसरी है, ये पूरा सामान इसका रखा हुआ है, तो इसको हम स्टार्टर केस बोलते हैं। इसके बाद जो दोस्तों ये है ये रिकॉइल स्टार्टर हैंडल है, इसको हम रिकॉइल स्टार्टर हैंडल बोलेंगे। ये है हमारी रिकॉइल स्टार्टर रोप है, ये हमारी स्टार्टर रोप है, इसको हम स्टार्टर रोप बोलेंगे। ये हमारी रिकॉइल स्टार्टर स्प्रिंग है, ये हमारा रिकॉइल रील बोलेंगे या स्टार्टर रील बोलेंगे इसको, ये हमारा स्टार्टर रील है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा ग्रेस है, फिर ये हमारा ग्रेस रैचेट है, इसको हम यानी कि रैचेट भी बोलेंगे, ये ग्रेस पे लगता है तो ग्रेस रैचेट या रैचेट। ये स्प्रिंग है, ये रील कवर है दोस्तों, ये हमारा रील कवर है और रील कवर क्या है, रील कवर बोल्ट है, ये रील कवर बोल्ट है। अब हम इसकी रिपेयरिंग के बारे में सीखते हैं। ये दोस्तों यदि आपकी रोप यहाँ से ये टूट जाता है रोप, तो आपको रोप इससे चेंज करना पड़ता है। रोप इसमें इधर से लगा होता है, ये रोप यहाँ लगा है, तो नोज प्लायर की सहायता से आप इसको बाहर निकाल लेते हैं। नोज प्लायर की सहायता से हमने इसको बाहर निकाल लिया और नया रोप हम डालते हैं। तो हम इधर से इसका नया रोप पहले यहाँ से जो ये फंसा हुआ है यहाँ से फंसाएंगे और यहाँ से हम नोज प्लायर की सहायता से खींच के जो इस पर लगाया गया है गांठ लगाया गया छोटा ये लगा देंगे।
और इसको वापस हम खींच लेंगे। उसके बाद हमारी नया रोप इसमें लग जाता है। यदि रोप टूटा हो, रोप का शिकायत हो, तो हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं रोप को। और इसकी इसमें सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि इसकी जो ये स्प्रिंग है, हमारी जो स्टार्टर की स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगाने में बहुत दिक्कत होती है। रिकॉइल स्टार्टर की जो स्प्रिंग है, ये इसमें हम चोट भी खा सकते हैं यदि हम सावधानी नहीं बरती तो। और ये लगाना कई लोग मुश्किल समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये मुश्किल नहीं है। हम आपको बता दें, ये बहुत आसान है। हम आपको आज एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं स्प्रिंग लगाने का। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम इनको भली भांति तरीके से आपको पूरा रिकॉइल स्टार्टर जोड़ना सिखाएंगे। आप इसकी रिपेयरिंग, यदि स्प्रिंग टूट जाए, स्प्रिंग चेंज कैसे की जाती है, अगर रोप टूट जाए तो रोप हमने आपको बता दिया कैसे चेंज की जाती है, और फिर इसमें लगाने के बाद इसमें टेंशन कैसे देंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू रखते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो ये है हमारा, ये स्टार्टर केस है। तो स्टार्टर केस, सबसे पहले हमें स्प्रिंग लगानी हो तो सबसे पहले हम स्टार्टर रील को लेंगे, और स्टार्टर रील के यहाँ हम इस पार्ट में स्प्रिंग डालते हैं। जो ये वाला भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम स्प्रिंग का ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये फंसा देंगे। ये बाहर वाला हिस्सा फंसाना है, न कि अंदर वाला। ऐसी गलती ना करें कि अंदर वाला हिस्सा इसमें फंसाने लगे और करें, नहीं, आपको बाहर वाला हिस्सा इसमें फंसाना है। इसमें यहाँ फंसाना, हम दिखाते हैं आपको कैसे फंसाते हैं और किस प्रकार एक आसानी से, एक सबसे आसान इजी तरीका हम आपको आज बताएंगे स्प्रिंग लगाने का। दोस्तों, हम आपको इसमें स्प्रिंग लगाना सिखा रहे हैं स्टार्टर केस में। तो देखिए, आप एक हिस्सा यहाँ बाहर वाला हिस्सा फंसा लिया, इसके बाद हम इसमें स्प्रिंग लगाते हैं। तो यहाँ अंगूठा रखते हुए इसको ध्यान रखें कि बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, इसलिए आप एक अंगूठा इधर रखें और दूसरे हाथ से लगाते जाएं और उसका ध्यान रखते जाएं कि बाहर नहीं निकले। इस प्रकार आप इसमें अंदर एक हाथ से धकेलते जाएं इसको, एक अंगूठे से स्प्रिंग पे हाथ रखें, इसका भी ध्यान रखें निकल जाए बाहर, बाहर ना निकले, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। जहां हमने फंसाया है, बार बार उसको अंगूठे से दबाते रहें। देखो, ये बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको दबाते रहें, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा टेंशन होता जाएगा तो ये बाहर फेंकने का कोशिश करेगा। इसलिए आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना, यहाँ हाथ भी आपका कट सकता है, आप इसमें ध्यान नहीं देंगे सेफ्टी का तो ये निकलता जाएगा। तो इसको निकलना नहीं देना है, आप चोट खा सकते हो। देखो कितनी आसानी से हम स्प्रिंग लगाना आज आपको सिखा रहे हैं। श्री राम होंडा EM650 का रिकॉइल स्टार्टर है। इसी प्रकार आप किसी भी जनसेट का रिकॉइल स्टार्टर है, जो छोटे पोर्टेबल जनसेट हैं, उनमें आप रिकॉइल स्टार्टर में स्प्रिंग आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इसकी स्प्रिंग देखो थोड़ा सा बचा है। ध्यान रखें, जो हमने फर्स्ट में लास्ट किनारा इसका जो डाला है वो बाहर नहीं निकल जाए। नहीं, आप इस समय इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको चोट लग सकती है। ये ग्रिस लगा होता तो चिकना वैसे भी होता है स्प्रिंग, और ये इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये देखो भली भांति हमने इसमें सेफ्टी यूज करते हुए बार बार इसको तरीके से हमने अपने अंगूठे अंगुली की सहायता से, दोनों हाथ की सहायता से इसको भली प्रकार हमने इसमें देखो पूरा अभी लगा दिया है। ये दोस्तों पूरा स्प्रिंग कितना अच्छे से लग गया है, आप खुद इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें रिकॉइल स्टार्टर का जो बेस है मैन, इसमें हम कैसे लगाते हैं ये आपको दिखाएंगे। अब हमारा ये इसका जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर जो कटा हुआ, हम यहाँ इसके अंदर वाला स्प्रिंग के हिस्से को फंसाएंगे। अब देखिए किस प्रकार हम फंसाते हैं। ये दोस्तों फंस गया। अब हम रोप को बाहर निकाल लें। बाहर निकाल के रोप में जो ये कटाव है दोस्तों, ये वाला, इस कटाव से इसमें फंसा के रोप को पूरा बाहर निकाल लें और स्प्रिंग को हम इसमें वापस घुमाना शुरू कर दें। यानी कि
टेंशन पैदा कर रहे हैं दोस्तों, हम स्प्रिंग में ज़्यादा टेंशन पैदा कर रहे हैं, हम इसको वापस घुमाना शुरू कर दिया। यदि आप ऐसे कर सकते तो ऐसे कर लेना, नहीं पहले आप इसमें इसका जो नट है वो इसकी एसेसरी बाकी लगा सकते हो। यदि आप ऐसे ही करना चाहें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और आपका रिकॉइल स्टार्टर देखो रिपेयर हो गया है, ऐसे आपको रोप डालना बताया था, रोप डालने के लिए भी आपको ये सब कुछ निकालना होगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी रोप को आप पूरा बाहर निकाल लीजिए फिर से, और अंगूठे लगा के दोनों धीरे धीरे इसको घूमने, देखो टेंशन पैदा होते जा रहा है, ये टेंशन पैदा हो जाएगा, इसमें टेंशन आ जाएगा और आपका रिकॉइल स्टार्टर यानी रिपेयर हो चुका है। हम इसके सभी पार्ट लगा देंगे, आपका रिकॉइल स्टार्टर दिखाएंगे आपको, ये आपका रिकॉइल स्टार्टर है, वो भली भांति रिपेयर हो चुका है। अब हम इसमें इसकी एसेसरीज है वो कंप्लीट लगा देंगे आपके सामने, आप देखते जाइए। हम इसकी जो एसेसरी है वो कंप्लीट इसमें लगा देंगे, ये स्प्रिंग यहाँ लगाएं, अब 8 नंबर टी स्पाइनर की सहायता से हम इसको बंद कर लें। देखो दोस्तों बिल्कुल ये रिपेयरिंग होके एकदम तैयार हो चुका हमारा रिकॉइल स्टार्टर। अब इसमें टेंशन भी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा टेंशन है, देखो। अब हम इसको लगाएंगे, भली बातें आप लगा सकते हो इसको, जैसे आपने हटाया वैसे आप इसमें इसको फिट कर सकते हो, और फिट आसानी से ये फिट हो जाता है दोस्तों। हम इसमें इसको फिट कर देते हैं और इसके नट हैं वो सभी हम लगा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर आपसे गुजारिश है बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।